देखिए सर, मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इसको दिव्यांगता जागरूकता समारोह के नाम से बोलते हैं। होंडा टू व्हीलर्स ने हमारे फाउंडेशन व्हीलिंग हैप्पीनेस को सौजन्य दोनों का होता है, और कोशिश ये रहती है कि मेरी बिटिया देविका मलिक साइकोलॉजी में पीएचडी कर रही थी यूके से, और दिव्यांगता के बारे में पढ़ रही थी, तो फिर पता नहीं उन्हें क्यों लगा कि विदेश में रह के मैं क्या दिव्यांगता को सीख रही हूँ, मैं अपने देश में जाऊँगी, गांव-गांव जाऊँगी, अपने प्रदेश में जिस मिट्टी की मैं हूँ वहाँ जाकर मैं इस क्षेत्र में कुछ काम करूँ, कुछ प्रेरणा हम दे सकें, कुछ योगदान हम दे सकें, किसी परिवार का दुख हम बांट सकें, कोई बच्चे हैं जिनको हम असिस्टिव एड्स दे सकें, और सबसे ज़्यादा एक ऐसी मानसिकता को हम बदलें कि कोई भी अपंगता, शारीरिक तकलीफ या किसी शरीर का भंग हो जाना या जीवन में कुछ ऐसा चैलेंज फिजिकल आ जाना, ये कोई अभिशाप नहीं है, ये ज़िंदगी का अंत नहीं है। एक ऐसी सकारात्मक सोच हम देना चाहते हैं समाज में कि जब समाज जुड़ता है, प्रशासन जुड़ता है, गवर्नमेंट जुड़ती है, राजनेता जुड़ते हैं, नागरिक जुड़ते हैं, तो सब मिलकर मदद करें, और ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसा जो लोग हैं जो किसी ना किसी दिव्यांगता के अंतर्गत जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी हम आसान बना सकें। सबसे पहला सोच को बदलना है, तो अपने जीवन की प्रेरणा कुछ देकर, कुछ सही मेडिकल कैंप में सही असिस्टिव एड्स, कुछ ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसके बारे में एक एक्सचेंज, नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, तो जैसा कि आज आपने सिरसा में देखा, सब लोग जुड़े हैं, डीसी साहब खुद यहाँ थे, चोपड़ा जी यहाँ थे, गाड़ी जी जिन्होंने ये, और इतना बढ़िया संस्थान यहाँ पे चल रहा है, तो समाज में एक छोटा सा प्रयत्न, छोटी सी याद दिलाने का कि ये प्रयास है। देखिए आदरणीय मोदी जी ने तो प्रथा ही सबका साथ सबका विकास शुरू कर दी है, हमारे खेलों को बिल्कुल मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स अब माना जाता है, चाहे हरियाणा की नीतियाँ कहें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियाँ कहें, हर नीति में हमें बराबर का भागीदार बनाया गया है, चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, चाहे ट्रेनिंग फंड की स्कीम हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी हो, या खेलों को खेलने के परिसर हैं उनको भी सुगम्य बनाया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी पहल है। और मुझे लगता है खेलों के बारे में भी जब जानकारी, मैं किसी भी प्रदेश में जाती हूँ, आज मैं सिरसा में आई हूँ, आप स्वयं मुझे एक खिलाड़ी के रूप में पहचान रहे हैं, तो दिव्यांगता से ऊपर उठने का सबसे बेहतरीन तरीका है खेलों से जुड़ना। खेलों से जुड़ने से एक तो शरीर आपका स्वस्थ रहता है, कोई ना कोई वर्जिश होती है। जब मैं कमरे में पड़ी रहती थी, लोग मुझे अपंग, अबला, असहाय बोलते थे, दुखी बोलते थे, वही एक्सरसाइज जब मैं स्टेडियम में जाके करने लगी और मेडल जीतने लगी, लोग मुझे खिलाड़ी बोलते हैं। अब आप बताइए, एक 50 साल की दिव्यांग महिला के आगे खिलाड़ी शब्द लगता है, तो उसकी उम्र भी घटती है, उसमें एक आत्मविश्वास जगता है। देखिए मैं उनसे यही आम लोगों को मेरी यही गुजारिश है, विनती है, मेरा निवेदन है, मेरा मैसेज है कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से दिव्यांग नहीं होना चाहता, ये कुदरत की एक नियति है, या आप कहें कि उनकी खुद की एक अपनी पहले ही एक कठिनाई इतनी है, सामाजिक तौर पे उनको नीचा देखा जाता है, आंतरिक तौर पे वो खुद, आर्थिक तौर पे भी उनकी ज़िंदगी कष्ट में चली जाती है, क्योंकि अलग अलग तरीके के गैजेट चाहिए होते हैं, व्हीलचेयर चाहिए होती है, तो जो इंसान तकलीफ़ से गुजर रहा है उसको ताने मारकर, नकारात्मक सोच देकर और तकलीफ़ में डालना है, या हमने जुड़कर अपने समाज को नए भारत के लिए एक सकारात्मक भारत बनाना है जिसमें हमें किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। देखिए अगर मुझे कोई दिव्यांग समझ कर या अपंग समझ कर एक कोने में छोड़ देता, तो क्या मैं अपने भारत के लिए 23 अंतर्राष्ट्रीय मेडल लाती, महिला का पहला पैरालंपिक मेडल लाती, या मैं नीतियों में जुड़ के उसकी नीतियां बदलती, तो मेरे छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त होते हुए भी मैंने इतना योगदान अपने भारत को दिया है। तो ये एक ऐसा वर्ग है जिसके अंदर एबिलिटी बहुत है, केवल अवसर देने की और उनको अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत है। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम की, जो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए मैडम दीपा मलिक आए हैं, तो इससे बढ़िया उनका प्रेरणादायक जो स्पीच दी है वो भी बहुत ही बढ़िया है।
तो इन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया हुआ प्रशासन की तरफ से, और मैं तो हमेशा तत्पर तैयार रहता हूँ कि इन बच्चों के लिए जितना हो सके उतना ही कम है।